साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में अनुराधा सिंह ऐसा नाम है जो कि अब तक हर तरीके की जांच से दूर है। समन मिले, पुलिस खुद भी पहुंची, मगर अनुराधा किसी के हाथ नहीं आ रही। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अनुराधा हाल ही में वाराणसी पहुंची हुई थी। खबरों की माने तो अनुराधा सिंह बेहद गुप्त तरीके से मुंबई से वाराणसी पहुंची। और जो हैरानी भरी खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि न सिर्फ अनुराधा वाराणसी आई बल्कि जेल में जाकर समर सिंह से भी मिली और बाहर जमानत पर रिहा संजय सिंह से भी अनुराधा की सीक्रेट मीटिंग हुई है। तो अनुराधा पर जो जो विस्फोटक खुलासा हो रहा है वो आपको हम पूरी डिटेल में बताते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या अनुराधा को पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है, आखिर वो कैसे वाराणसी आकर गिरफ्तारी से बच सकती है, आखिर अनुराधा के वाराणसी आने का और समर संजय से मिलने का असली मकसद क्या है, जेल तक कैसे पहुंची अनुराधा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अनुराधा सिंह ना तो कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और ना ही उसकी पहुंच बहुत ज्यादा है। मुंबई में सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल जैसे शोज में नजर आई और आजकल स्टार प्लस की इमली शो में साइड कैरेक्टर में दिख रही हैं। मगर अब अनुराधा की पहचान सिर्फ एक एक्ट्रेस के तौर पर नहीं बल्कि आकांक्षा दुबे केस के आरोपी के रूप में ज्यादा हो रही है। यानी कि जितना नाम अनुराधा को एक्टिंग के जरिए नहीं मिला उससे ज्यादा बदनाम वो आकांक्षा दुबे की मौत के बाद हो चुकी है। मगर जो भी है, अनुराधा बेहद शातिर है, बहुत चालाक है, क्योंकि सूत्रों से पता चला है कि अनुराधा एक बार फिर से वाराणसी पहुंची है। जी हाँ, हाल ही में अनुराधा मुंबई से फिर से वाराणसी पहुंची है और अनुराधा न सिर्फ वाराणसी आई है बल्कि वो समर सिंह और संजय सिंह से भी मिली है। तो आपको पता ही है कि समर सिंह 7 अप्रैल से पुलिस की गिरफ्त में है और वाराणसी की जेल में बंद है, जहां समर सिंह से मिलने की इजाजत सिर्फ परिवार के एक सदस्य और वकील को है और किसी को समर सिंह से अभी तक नहीं मिलाया गया है। मगर हैरानी भरी खबर ये आ रही है कि अनुराधा सिंह जेल में जाकर समर सिंह से मिलकर आई है। जी हाँ, वाराणसी के जेल सूत्रों का दावा है कि टीवी एक्ट्रेस अनुराधा सिंह जिला जेल में गई थी और समर सिंह से मिली थी, उसी समर सिंह से जो कि आकांक्षा दुबे की मौत का मुख्य आरोपी है, मुख्य साजिश करता है, जिसके बारे में आकांक्षा खुद कहकर गई है कि अगर उसको कुछ भी होता है तो जिम्मेदार समर सिंह होगा। उसी समर सिंह से अनुराधा जेल में मिलने गई थी, जो कि वाकई में बेहद हैरानी भरा है, कल्पना से परे है, मगर अनुराधा ने ये सब कर दिया, ऐसा सूत्रों का दावा है। आगे बढ़ते हैं। खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि अनुराधा जेल में गई थी बल्कि जेल सूत्रों की माने तो अनुराधा जेल में जाकर समर सिंह से 15 मिनट तक मिली थी। अब ये बात इंटरकॉम फोन के जरिए हुई या फिर फिजिकली हुई ये कहा नहीं जा सकता, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुराधा 20 मिनट जेल के अंदर रही थी और उसमें से 15 मिनट तक समर सिंह से उसकी बात हुई थी। जाहिर सी बात है कि अनुराधा ने समर सिंह से आकांक्षा केस पर ही बात की होगी और वो कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि आकांक्षा केस के लिए काफी अहम होगी, मगर क्या बात हुई ये कहा नहीं जा सकता। आगे देखिए, समर सिंह का भाई और दोस्त संजय सिंह भी हाल ही में जेल में बंद था और अभी हाल ही में जमानत पर जेल से रिहा हुआ है। गौर कीजिए कि वो जमानत पर रिहा हुआ है, परमानेंट रिहा नहीं हुआ है, मगर अनुराधा उससे भी मिलकर आई है। जी हाँ, खबरों की माने तो अनुराधा सिंह ने संजय सिंह से भी गुप्त तरीके से मुलाकात की है, क्योंकि संजय सिंह की जमानत वाली शर्तों में साफ लिखा है कि वो आकांक्षा केस से जुड़े किसी भी आरोपी से मुलाकात नहीं कर सकता, मगर अनुराधा संजय सिंह से मिलकर आई है, जो कि अपने आप में बेहद हैरानी भरा है। अब पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि अनुराधा आकांक्षा की मौत के बाद 3 बार वाराणसी आई थी और ये खबर चौथी बार आ रही है कि आकांक्षा फिर से मुंबई से वाराणसी पहुंची। मगर हर बार की तरह इस बार भी अनुराधा ना तो पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची और ना ही मिले हुए समन का जवाब देने गई। अब जब वाराणसी की मीडिया को ये खबर लग चुकी है कि अनुराधा यहां आ रही है तो ऐसा भला कैसे हो सकता है कि पुलिस को ये भनक ना लगी हो, और अगर खबर है तो अनुराधा बचकर वापस कैसे जा सकती है। तो कुल मिलाकर अनुराधा को लेकर पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आखिर बार बार वाराणसी आकर अनुराधा क्या करना चाहती है, आखिर अनुराधा का असली मकसद क्या है और अनुराधा किसके सपोर्ट से जेल तक पहुंची है और समर सिंह से मिली है और बाहर जमानत पर रिहा संजय सिंह से मिली है। आप भी शातिर अनुराधा को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो संदीप सिंह को देखा गया है तकरीबन 3 महीने बाद। संदीप सिंह को देखा गया और उसी काले रंग की गाड़ी में नजर आया जिसमें बैठा कर वो आकांक्षा को पार्टी से होटल तक लाया था। ना सिर्फ संदीप बल्कि वो काले रंग की एसयूवी भी तब से पहली बार सड़क पर दिखाई दी है। तो संदीप सिंह के फरार होने की खबरों ने वाराणसी में तूफान ला दिया है, क्योंकि डीएनए टेस्ट हो चुका है और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए पुलिस ने सारी कागजी कार्रवाई कर ली है, बस कोर्ट से मंजूरी मिलना बाकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर संदीप गाड़ी में बैठकर जा कहां रहा है। तो वाराणसी से आ रही खबरों के मुताबिक नदेसर इलाके से संदीप सिंह को गुजरते देखा गया। संदीप सिंह गाड़ी में पीछे की तरफ बैठा हुआ था और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। खबरों के मुताबिक संदीप सिंह ने सफेद कलर की टी शर्ट पहन रखी थी और आंखों पर काले रंग का चश्मा पहना हुआ था। अब सिग्नल आने पर जब संदीप की एसयूवी रुकी तो वहीं से गुजर रहे एक लोकल पत्रकार ने उसे पहचान लिया, मगर जब तक पत्रकार संदीप से कुछ पूछ पाता या कैमरे में कुछ रिकॉर्ड कर पाता सिग्नल खुल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद बाइक सवार पत्रकार ने संदीप की गाड़ी का पीछा किया और अगले सिग्नल आने पर संदीप गाड़ी में बैठा तो दिखा, मगर उसने अपने चेहरे को एक कपड़े से ढक रखा था। यानी संदीप को पता चल गया था कि वो पहचान लिया गया है और पत्रकार उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए संदीप ने कपड़े से अपने पूरे फेस को कवर कर लिया। हालांकि इसके बाद बाइक सवार पत्रकार ने संदीप का करीब 6 से 7 किलोमीटर तक पीछा किया, मगर बाइक ज्यादा देर तक एसयूवी के पीछे नहीं जा पाई। मगर पत्रकार की माने तो इसके बाद संदीप की गाड़ी ने बाबतपुर वाली रोड पकड़ ली और पत्रकार ने शक जताया है कि हो ना हो संदीप सिंह लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट की तरफ गया हो। पत्रकार की माने तो हो सकता है कि संदीप सिंह वाराणसी से भागने की फिराक में है और इसीलिए वो मुंह छिपाते हुए एयरपोर्ट वाली सड़क पर निकल गया। अब गौर करने वाली बात यह है कि संदीप सिंह का हाल ही में डीएनए टेस्ट हुआ है और रिपोर्ट्स की माने तो संदीप सिंह का डीएनए मैच भी हुआ है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में संदीप का डीएनए आकांक्षा के कपड़ों में मिले निशान से मैच हुआ है और पुलिस समर सिंह के साथ ही संदीप का भी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने वाली है, मगर पॉलीग्राफी टेस्ट से ठीक पहले संदीप सिंह के यूं मुंह छिपाकर भागने की खबर ने हलकान मचा दिया है। तो क्या संदीप सिंह वाकई में भाग गया? क्या संदीप पॉलीग्राफी टेस्ट से बचने के लिए फरार हुआ है? आखिर पुलिस संदीप के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? संदीप को भगाने की साजिश है या फिर संदीप अपनी मर्जी से भाग रहा है? संदीप को इस केस में वैसे भी इतनी छूट मिली है, तो क्या संदीप कभी गिरफ्त में नहीं आएगा? आकांक्षा के साथ उस रात क्या हुआ था? क्या ये सच संदीप की तरह कहीं गुम हो जाएगा? आप भी संदीप सिंह को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।